वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो न्यू ब्लॉग लेके आ गया हूँ मुहर्रम हाजीपुर अनवरपुर का। तो हम आपको ब्लॉग में दिखाने वाले हैं कि मुहर्रम की तैयारी किस तरीके से हो रही है। आप देख सकते हैं हमारा ताजिया भी है ना अंदर रखा हुआ है। अब इसकी क्लीनिंग वगैरह होगी और साउंड वगैरह सब कुछ है ना आपको दिखाने वाले इस ब्लॉग में। तो मेरे साथ बने रहिए। किस तरह से उत्साह अभी जागा हुआ है देख सकते हैं अनवरपुर वालों का। क्या हाल है भाई? हेलो। अरे अनवरपुर वाले कहे की थक गए क्या? कैसा जोश है तो देख सकते हो भाई। यहाँ पर ना सब अभी मजे ले रहे हैं, सब मजे अभी लेंगे। अभी तैयारी चालू है तो फिर बताएंगे कि किस तरीके से अनवरपुर वाला किस तरह से जवाब देता है। तो फिर बने रहिए भाई मेरे ब्लॉग पे अनवर ऑफिशियल ब्लॉग। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। आज पूरे आज हाजीपुर में जितने भी ब्लॉग वाले जितने हैं उन सबसे आज बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी रील बनाओ कोई भी वीडियो बनाओ लेकिन अनवरपुर वाला का टक्कर नहीं देने वाला है अनवरपुर मुहर्रम वाले का। कि ताजिया की क्लीनिंग और बनावट स्टार्ट हो रही है। तो मिथुन भाई हमारे देख रहे हैं यहाँ पर। तो मिथुन भाई क्या हाल है? सलाम अलैकुम मिथुन भाई। क्या हाल है? तो इस बार किस तरह के ताजिया बनने वाला है वाला बताइए कुछ मिथुन भाई। तो अभी किस तरीके से सजाएंगे? सज जाएगा तब बजाएंगे बताएंगे। तो अभी देख सकते हैं सारी स्टार्टिंग हो चुकी है। देख सकते हैं ताजिया किस तरीके से अभी बनने वाला अभी स्टार्टिंग होते हैं। देख सकते हो गाइस किस तरीके से ताजिया सजाया जा रहा है। मिथुन भाई लड़ी में लड़ी लगा के हर तरीके से सजा रहे हैं। जितने भी लैस वगैरह है कुछ झालर है कुछ तरीके से उस तरीके से ताजा को खूबसूरत है ना एक शेप दिया जाएगा। अभी हम लोग मिथुन भाई को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं क्योंकि मिसिंग हो जाएगा कहीं पे भी सजावट में तो गड़बड़ हो जाएगा। मिथुन भाई से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हम मिथुन भाई पूरा सजा लेंगे तब उनसे बात करेंगे। मिथुन भाई कितना घंटा लगेगा इसमें पूरा सजाने में अंदाजा? 6 घंटा। तो देख सकते हो गाइस कि यहाँ पर पूरा टोटल 6 घंटे लग सकते हैं पूरे सजाने में क्योंकि हर तरफ आपको पट्टी लगेंगी लैस लगेगी यहाँ पे सजावट होगी हर तरीके से। इसको फिर ना बहुत सारे अलग अलग झाकड़ फूल वगैरह से फ्लावर से इसको सजाया जाएगा। तो देख सकते हो भाई मेरे रवि भाई साउंड बॉक्स बांध रहे हैं ओल्ड अनमोल डीजे। आप देख सकते हो अभी साउंड बॉक्स है ना स्टार्टिंग है ये छोटा सा अभी नमूना है अभी ये ना पूरा ट्रेलर बाकी है भाई। पूरा देख सकते हो कि अभी पहला स्टार्टिंग है बॉक्स ये पहला बॉक्स देख रहे हो कि कितना हेवी है। तो इतने कितने सारे बॉक्स लगने वाले भाई तो देख सकते हो। क्या हाल है रवि भाई? ठीक है। तो भाई अगर कोई आपसे बुकिंग वगैरह कराना चाहता है तो किस तरीके से करा सकता है? कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह बता दीजिए। जैसे अनवरपुर चौक आना होगा। हाँ हाजीपुर वैशाली अनवरपुर चौक हाजीपुर वैशाली में है ओल्ड अनमोल डीजे। कॉन्टेक्ट नंबर आपका क्या है रवि भाई? क्या आपका कॉन्टेक्ट नंबर कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? मोबाइल नंबर। हाँ मोबाइल नंबर 7006 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 7
चौक मेन चौक पे ही आपको देख सकते हो, मेन चौक पे अपना झंडा लगा हुआ है आतंकपुर की शान मोहरम। यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, ये सारे झंडे हैं। अभी इससे बड़े बड़े झंडे अभी रखे हुए हैं, सारा निकलेगा मोहरम के
जब निकलेगा तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा पूरा आपको बॉक्स वगैरह सब कुछ। तो देख सकते हो गाइस ये पार्टी वगैरह हो रहा है इमाम बारा पे। अभी तक तो इतने हुआ है सुबह से हमारे मौसी भाई ताजिया को सजा रहे हैं। मौसी भाई सलाम लेकुम, हम क्या हाल है? बस इधर देखिए मौसी भाई। हाँ देखिए मौसी भाई चल रहा है इसलिए अभी ब्लॉग नहीं बनाइए, जब काम हो जाएगा उसके बाद बना लीजिएगा। ठीक है देख सकते हैं राजद के नेता आए हुए हैं अनुराग यादव, लालटेन जलाए हैं और ये अनुराग यादव जिंदाबाद। हाजीपुर में देख सकते हो राजद के नेता। चलिए भाई और उल्टे कुछ नेतागण है यहाँ पे हम लोग यहाँ से तीन चार बजे निकलेंगे, मतलब 12 बजे के रास्ते 12 बजे से पहले जो है मजा आ जाएगा। 4 बजे निकलेंगे हम लोग, तो आप जैसे बताए थे कि 9 बजे से पहले नहीं बजाना है, लेकिन जो मेरा सिस्टमेटिक है वो अपने अपना वो पूरे हो जाती है, सब कुछ कर दिया अभी सजा नहीं है भाई।
उत्पल कुमार जी कहाँ घूम रहे हैं? ताजिया का मसाला बड़ा अच्छा है, डिजाइन का बड़ा अच्छा बनाया भाई 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 तो देख रहे हैं हमारे साहब भाई अब पेंटिंग पेंटिंग में लगे हुए हैं ताजिया के। अच्छा 6 घंटा कहा के इतना टाइम लग गया, कब तक तैयार हो जाएगा साहब भाई? आधे घंटे में कहाँ के मीडिया बना लेगा भाई? हम पर्सनल मीडिया है अलमरपुर के। Thank you.
लेकिन किस तरीके से इसका बुरादा सकाया जाता है, पहले उसके ना गोंद लगा के फिर ना मुंह से है ना हवा करके उसका चिमटी सटाया जा रहा है। देख सकते हैं साहब भाई हमारे काफी अच्छे कारीगरी कर रहे हैं इस पे, देख रहे हैं टेक्निक तो बहुत अच्छा है साहब भाई। नहीं इससे पहले इतना गौर से नहीं ध्यान दिए थे, पहली बार ध्यान दे रहे हैं। बड़ा अच्छा टेक्निक से आप उसको है ना हवा प्रेस करके है ना उसको बुरादा को साट रहे हैं।